वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये प्यारा सा नेक वार्मर बनाना इसे बनाना बहुत आसान है तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के बाद आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए बनाना शुरू करते देखिए इसे बनाने के लिए इसे बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है इसे हम मफलर की तरह ही बनाते हैं देखिए यह मैंने बनाया है एक एट इयर्स बॉय के लिए तो इसकी देखिए चौड़ाई मैंने रखी है सिक्स इंच और इसकी जो लेंथ है वो है ट्वेंटी थर्ड इंच देखिए तो इसे बनाने के लिए जो मैंने स्टिच इस्तेमाल की है क्रोशिया की है, ये है पोस्ट स्टिच तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने इसमें रखी थी फोर्टी चेन्स और आपको अगर किसी जेंट्स का बनाना है तो इतनी चेन्स काफी हैं या फिर अगर आप थोड़ा और चौड़ा इसे बना सकते हैं तो इसमें फाइव चेन्स और ऐड कर लीजिएगा इससे ज़्यादा आप चौड़ा करेंगे तो वो सूट नहीं करेगा जेंट्स को लेडीज़ के लिए तो हमें और चौड़ा बना सकते हैं लेकिन अभी बना रहे हैं जेंट्स के लिए तो इसमें आप फोर्टी चेन्स रखेंगे तो चलिए देखते हैं इसकी स्टिच मैंने कौन से इस्तेमाल की है इसमें देखिए इस स्टिच को बनाने के लिए मैंने इसमें डाली है सिक्सटीन चेन्स आपको अगर इस साइज का बनाना है तो आपको फोर्टी चेन्स डालनी पड़ेंगी तो मैंने सिक्सटीन डाली है क्योंकि मैं आपको डिजाइन बताना बनाना बता रही हूँ तो इसके ऊपर सिक्सटीन के बाद वन टू एंड थ्री चेन्स हम लेंगे इसके बाद देखिए वन टू एंड थ्री ये जो थर्ड वाली चेन है इसमें से हम इस तरह से डबल क्रोशे निकालेंगे फिर हर चेन में से हम डबल क्रोशे निकालेंगे देखिए हर चेन में से हम डबल क्रोशे निकालते जाएंगे जो फर्स्ट रो है इसकी हम इसी तरह से बुन लेंगे इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया हम बुनेंगे ये पूरी रॉ इसी तरह से रॉ बुन के कंप्लीट कर लेंगे देखिए इस तरह से हमने ये वाली फर्स्ट रॉ कंप्लीट कर ली है इसके बाद ये जो लास्ट वाला हमने ये बनाया है इसको वन टू टू चेन्स बनाएंगे इसके बाद इसको इस तरह टर्न कर लेंगे अब हमें क्या करना है देखिए जो पहले वाला ये हमने बनाई थी स्टिच इसको छोड़ देना है और ये जो दूसरी वाली स्टिच है इसको हमें इस तरह से बैक से डाल के इस तरह से बुन लेना है हमें बुनना डबल क्रोशे से ही है अब हमने ये वाली इधर से बुन ली जो नेक्स्ट वाली है देखिए ये वाली इसको हम बैक साइड से डाल के इसको हम इस तरह पीछे से डालेंगे और इस तरह से फिर हम इसे बुनेंगे बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है सेम एक ही आपको रिपीट करता जाना है देखिए ये वाला जो है इसको फ्रंट से और नेक्स्ट वाला है इसको हम बैक से इस तरह से डाल के बनेंगे एक को फ्रंट से ऐसे और एक को बैक से इस तरह से आप इस स्टिच से मफलर भी बना सकते हैं लेडीज स्वेटर किड्स का स्वेटर कुछ भी बना सकते हैं आप इस स्टिच से ये बहुत घनी स्टिच आती है ऐसे जाली वाली नहीं आती है और बहुत ही इससे कोजी आपका जो भी आप पैटर्न बनाएंगे वो बनेगा तो आप इस स्टिच को किसी में भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं तो एक फ्रंट से आपको लेना है और एक आपको बैक से लेना है इसी तरह से हम ये वाली जो रॉ है वो कंप्लीट कर लेंगे आमतौर पे लोग सोचते हैं कि जो क्रोशिया से बनाते हैं ना चीज़ें इसमें नेट रहती है जाली और शायद इसमें से प्रॉपर वार्म नहीं रहती गर्मी नहीं रहती लेकिन ऐसा नहीं है बहुत सारी स्टिचेज इसमें ऐसी हैं जो बिल्कुल कैसी रहती है थिक रहती हैं इससे आप कुछ भी बना सकते हैं स्वेटर भी बना सकते हैं आप इससे तो देखिए ये मैंने फ्रंट से लिया था अब ये मैंने बैक से ले रही हूँ और उसके बाद आप ध्यान रखिएगा ये देखिए ये जो हमारे ये लास्ट वाली ये जो चेन टाइप का है इसको भी इसके अकॉर्डिंग लेंगे अगर हमने ये बैक से लिया था तो इसको हम फ्रंट से लेंगे ऐसे इसके ऊपर फिर हमें टू चेन्स बनानी है वन टू अब देखिए यहां से डिजाइन क्या करना है हमको जो हमने देखिए ये आपको पीछे दिखाई दे रहा है जो ये पीछे बैक से दिखाई दे रहा है इसको हम फ्रंट से लेंगे जो ये फ्रंट का दिखाई दे रहा है इसको देखिए ये यहाँ से नहीं लेंगे इसको हम पीछे से लेंगे इसको हम बैक से लेंगे और जो हमें ये दबा हुआ दिखाई दे रहा है देखिए ये बैक से दिखाई दे रहा है इसको हम फ्रंट से ऐसे लेंगे बस इतना सा आपको कर रिपीट करना है डिज़ाइन और आपका बहुत अच्छा सा पैटर्न बन के आ जाएगा इसी तरह से आप बनाते जाएंगे और इसके बाद ये मैंने ये होल बनाए थे देखिए इसमें यहाँ पर लास्ट में देखिए जहाँ पर हम बटन को यहां पर इसके लिए हमें थोड़ा सा होल चाहिए वैसे हम यहां भी निकाल सकते हैं लेकिन ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसके लिए प्रॉपर हमने क्या किया है तो कोने से मैंने दो ये वन टू थ्री फोर फोर के बाद टू चेन्स बनाने के बाद ये एक जो स्टिच थी इसको स्किप कर दिया इसको हमने बुना नहीं है जैसे ही मैंने ये फ्रंट से बुना उसके बाद दो चेन बनाई और इसे बैक से बुनना था इसे छोड़ दिया इसके बाद नेक्स्ट से फिर फ्रंट से बुना देखिए आपको तो ये होल बन जाएगा यहाँ पर आपको बटन ताकि एंटर हो जाएगा लूप बन जाएगा ये फिर इसके बाद आप देखिए सेंटर निकाल लीजिए इसका इस तरह से और सेंटर में आप काउंट कर लीजिएगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन आपको ये बनाने के बाद स्टिचेस फिर आप टू लूप्स बनाएंगे टू चेन्स बनाएंगे और ये वन स्किप कर देंगे तो फिर आपका एक लूप बन जाएगा उसके बाद फिर थर्टीन के बाद आप टू चेन्स बनाएंगे और एक ये स्किप कर देंगे तो एक और लूप बन जाएगा उसके बाद जितनी आपकी यहां थी उतनी यहां पर आ जाएंगी फोर तो इस तरह से आपका ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा देखिए ये सेम वही डिजाइन है जो मैंने इसमें अपने मफलर में या जो ये नेक वार्मर में डाला हुआ है देखिए देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है और आप इसे थोड़े से मोटे ऊन से बुनेंगे तो ये ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा इसका तो देखिए अब इसको आपको कंप्लीट करने के बाद आपने देखिए अब आपने ये जो इसका ये वाला जो साइड है इसको आप यहां रख के नाप लेना है जो आपने लूप बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बटन लगा देना है देखिए बटन कैसे लगाना है आप अपने मफलर को इस तरह से पकड़ लेंगे देखिए फोल्ड कर लिया है मैंने ऐसे ठीक है और इसके बाद इस साइड पे हमें बटन लगाने हैं यानी कि ये वाला जो नीचे वाला सिरा है इसमें हमें लूप बनाए थे तो बटन हमें इसके अकॉर्डिंग लगाने हैं इतने ही प्लेस में फिर देखिए आप अपने बटन्स यहाँ पर आपके लूप में एकदम फिट आ जाएंगे जो आपने लूप बनाए थे और फिर ये आपका जो नेक वार्मर है एकदम रेडी हो जाएगा देखिए ऐसे चाहे आपको सीधे और नहीं तो आप इसको इस तरह से ये कोट वगैरह पर पहनने में बहुत स्मार्ट लगता है और अगर ये बच्चे पहनेंगे तब भी बहुत ही स्मार्ट लगेंगे कूल लगेंगे तो ये आप जेंट्स के लिए भी बना सकते हैं और बॉयज़ के लिए किड्स के लिए गर्ल्स के लिए लेडीज़ के लिए भी बनता है ये लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या रहता है थोड़ा सा यहाँ पर लेसेस वगैरह और हम बुन देते हैं तो मैं फिर आपको एक और लेडीज के लिए अच्छा सा नेक वार्मर बनाना बताऊंगी मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाय लव यू ऑल